हमीरपुर में टाइगर एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के बच्चों ने रविवार को नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली और नशे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया और नशा न करने का आह्वान भी किया। टाइगर अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट के बच्चों ने नशे के खिलाफ रैली निकालकर नशा तस्करों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। टाइगर एकेडमी का एक किनारा, टाइगर एकेडमी का एक किनारा। अकादमी के संचालक अंतरराष्ट्रीय कोच मास्टर दिनेश कुमार ने बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए टाई कमांडो प्रशिक्षण को बहुत ही उपयोगी बताया। कमांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो हमारा उद्देश्य जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसको एक अच्छा रास्ता बताना है। हमने जैसे बच्चों को आपने क्या सिखाना है, क्या खिलाना है, क्या एक्टिविटी है आपकी, क्या बच्चों को सिखा सकते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि मल्टीपर्पज गेम सिखाना जरूरी है, और हम इसके खिलाफ नशा मुक्ति अभियान केंद्र भी निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। तो जैसे अभी एक केंद्र हवा देवी में खुल रहा है इसका, नशा मुक्ति अभियान का, तो वहाँ जो भी एडिक्टेड होगा उसको वहाँ पे इलाज होगा। बाकी अभी हम रैली निकाल रहे हैं, तो नेक्स्ट भाई भी हमारे साथ हैं, बड़े भाई, तो उनके साथ रैली निकालेंगे नशा मुक्ति अभियान की, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके अच्छी निकले, एक अर्थवर निकले। थैंक यू। इस दौरान डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने नशे के खिलाफ बच्चों को जागरूक किया और खेलों में रुचि लेने का आह्वान किया। इस दौरान हमीरपुर बाजार में रैली निकाली गई। कर रहे हैं और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रहें, क्योंकि स्वस्थ इंडिया और मजबूत इंडिया तभी बनेगा जब हम नशे से दूर रहेंगे। और मास्टर डी के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए और सारे बच्चे खेलों की तरफ रुचि रखें, नशे से दूर रहें। यही ही इस रैली का और मास्टर डीके जी का भी, इस एकेडमी का भी, और जो ये आगे केंद्र नशा मुक्ति केंद्र है उसका भी यही एम है। तो हम सबको मिलके नशे के खिलाफ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के नशे को भगाना है और नशे के व्यापारियों को भी। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।